हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे सामने होंडा CB 300R जो कि अभी लॉन्च हुई है। तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो अभी हम आए हैं होंडा बिग विंग, और ये क्योंकि ये 300cc है, बिग विंग के शोरूम में आती है ये, और ये फ़िलहाल ही लॉन्च हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो इस पे फ्रंट में LED हेडलैम्प आता है, अभी मैं इसको ऑन करके दिखा दूंगा। और ये राउंड शेप में आता है, फ्रंट में USD फोक्स आते हैं। बाकी इधर ये एग्जॉस्ट पाइप है, वो फुल टाइटेनियम में है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में ये। और जो इसका जो लुक है ना, ये काफ़ी अलग है नेकेड बाइक्स के हिसाब से। बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो ये एक नेकेड बाइक है जो कि 300cc सेगमेंट में आती है। इसका इंजन 286cc का है जो प्रोड्यूस करता है पावर 31.6 BHP की। और ये जो बाइक है ये कम्पीट करने वाली है हमारी डोमिनार, ड्यूक 390, और बाकी तो 300cc में फ़िलहाल कोई नहीं है इंडिया में। 300cc 373cc, क्योंकि 390 373cc है, तो उसी तरह ये भी 286cc है, लेकिन बैजिंग इस पे 300R की दी गई है। तो उस हिसाब से काफ़ी सही बाइक है ये। बात करें इसके बॉडी की, तो इस पे फ्रंट में LED हेडलैम्प दिया गया है जो कि राउंड शेप में है, और इस पे इंडिकेटर्स वो भी LED दिए गए हैं। और इसका मीटर भी फुल्ली डिजिटल है, मतलब कलर डिजिटल नहीं है, अभी ऑन करके दिखाऊंगा। बाकी रेयर सेक्शन की बात करी जाए तो रेयर में भी LED इंडिकेटर्स, LED टेल लैम्प ये आते हैं। बात की जाए इस पे फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन USD आते हैं जो कि गोल्डन फिनिश में है, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं गोल्डन कलर में। और अब बात करी जाए इसके टायर सेक्शन की, तो फ्रंट में इसका टायर सेक्शन है 110/70 R17, और इस पे जो फ्रंट डिस्क लगा हुआ है ये डिस्क है 320mm का जो कि ABS के साथ आता है। निसिन के कैलिपर्स मिलते हैं आपको इसमें। बाकी इधर रेडिएटर है, इस पे ग्रिल लगी हुई है, बाहर से कंपनी फिटेड है। रेयर सेक्शन टायर की बात करी जाए तो 150/60 R17 का टायर है रेयर सेक्शन का। और रेयर सेक्शन डिस्क की बात करी जाए तो ये 220mm की है, और रेयर में भी ABS आता है। रेयर में भी जो कैलिपर्स है वो निशिन के लगे हुए हैं, ड्यूल चैनल ABS में आती है। टायर साइज़ काफ़ी वाइड टायर है इसका, मतलब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, वीडियो में शायद ही समझ में आए, लेकिन जब आप रियलिटी में देखोगे ना तो बहुत ही वाइड टायर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे एक चीज़ थोड़ी अच्छी लगती गाड़ियों में, जो कि इन सेगमेंट्स की गाड़ियाँ होती हैं, ये जो सारी यार्ड होता है ना, ये बड़ा अगली सा लगता है। अगर इसे निकाल देंगे, मतलब सेफ्टी फीचर है, लेकिन अगर इसे हटा देंगे, अगर आपको सिंगल ही चलना है, प्लेयर नहीं बिठालना है, तो ये काफ़ी कूल लगेगी गाड़ी देखने पे। मॉडल डराइव हुआ है अपने एल्डर सिबलिंग CBR650R से, जो कि 600cc वाली आती है CBR नेकेड वेरियंट। और अंतर इतना है, आप दूर से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब अगर एक नज़र में देखोगे तो। बाकी एक पाइप निकला है, वो तो सबको पता है कि वो इनलाइन 4 आती है, बस इतना ही अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। बाकी ये बाइक मुझे काफ़ी सही लगी ऐसे देखने में। तो इसके फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक है, सीट हाइट इसकी 801mm है। इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 286cc का 6-speed गेयरबॉक्स है जो कि प्रोड्यूस करता है पावर 31.6 BHP की, और टॉर्क 27 Nm का। क्लियरेंस की बात करी है तो 157mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें आपको, काफ़ी ऊंचा है, ठीक है एक हिसाब से। बाकी नीचे ये इंजन काउल भी मिल जाता है, ये काउल प्लास्टिक में है, तो ये कुछ खास तो प्रोडक्शन देगा नहीं, बस मिट्टी से भले बचा रहा है इंजन को, ऐसे ठीक है। मतलब लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये जो एक्सपोज होके जो इसका फ्रेम बाहर आया है, ये काफ़ी कूल लग रहा है। बाकी इस बाइक के कार वेट की बात करी जाए तो 156 kg की है, अब 300cc की है, तो 156 kg कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से काफ़ी सही है। कि अभी इसे ऑन करके देखते हैं। और ये रहा इसका मीटर, गंदा है थोड़ा सा, अभी ये रहा न्यूट्रल है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, राइडिंग रेंज एवरेज वगैरह सब कुछ दिखा रहा है इस पे। इधर ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, और अभी इसको स्टार्ट करें, एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाता हूँ आपको, उस साइड से आता हूँ तो सही रहेगा। काफ़ी नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि रोड पर हूँ ना, गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। ये रही इसकी हेडलाइट। सो पहले जो CBR थी उसके डिसकंटिन्यू होने के बाद काफ़ी उसका वेट करा गया, मतलब इस बाइक का काफ़ी वेट किया गया। फ़िलहाल जब लॉन्च हुई तो अलग ही स्पेक्स के साथ लॉन्च हुई, और
लोगों को निराश नहीं किया जिस हिसाब से ये बाइक लॉन्च हुई, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट में काफ़ी टिकेगी। और 300 सीसी में काफ़ी बढ़िया बाइक है, इसके लुक्स इतने बढ़िया हैं मतलब किसी सुपर बाइक नेकेड सुपर बाइक से कम नहीं लगती है। हाँ ये भी है होंडा थोड़ा सा एक्सपेंसिव चार्ज करता है अलग है, बस ये इसका ऑन रोड प्राइस 320,000 रुपीज़ पड़ रहा है 300 सीसी मोटरसाइकिल, लेकिन ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर किसी को इसकी वॉच समझ में आएगी तो वो लेगा ही, काफ़ी सही है। एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, काफ़ी स्मूथ और थ्रस्टी टाइप का है साउंड इसका, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो टाइम टू एंड दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।